नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल आज 21 नवंबर 2023 और कल 22 नवंबर 2023 से नई ट्रेनों को शुरू करने जा रहा है। 21 नवंबर और 22 नवंबर से कौन कौन सी नई ट्रेन चालू होगी और कहां से कहां तक चलेंगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 नवंबर और 22 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली सभी नई ट्रेनों के नाम नंबर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में सारी बातें होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन संख्या 05178 उधना छपरा कचहरी छठ पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 22 नवंबर और 26 नवंबर को चलने वाली है। इसके अलावा ट्रेन संख्या 05098 खातीपुरा टनकपुर पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक हफ्ते में 3 दिन प्रत्येक मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 08145 टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर स्पेशल, ये ट्रेन 22 नवंबर 2023 को चलेंगी। ट्रेन संख्या 07022 गुटूर जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल, ये ट्रेन 22 नवंबर 2023 को चलेंगी। ट्रेन संख्या 06568 बीकानेर बेंगलुरु स्पेशल, ये ट्रेन 26 नवंबर 2023 को चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 07021 हैदराबाद भगत की कोठी स्पेशल, ये ट्रेन 22 नवंबर 2023 को चलेंगी। इसी प्रकार से ट्रेन संख्या 07023 भगत की कोठी जोधपुर हैदराबाद स्पेशल, ये ट्रेन 26 नवंबर 2023 को चलेंगी। ट्रेन संख्या 05177 छपरा कचहरी उधना छठ पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 24 नवंबर को चलेंगी। ट्रेन संख्या 08145 टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर स्पेशल, ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। ट्रेन संख्या 05065 गोरखपुर से दिल्ली को चलने वाली ट्रेन 25 नवंबर 2023 को चलेंगी। ट्रेन संख्या 05068 गोमती नगर मालतीपुटपुर, ये ट्रेन 23 नवंबर 2023 को चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 05080 गोमती नगर हावड़ा स्पेशल, ये ट्रेन 30 नवंबर 2023 को चलेंगी। ट्रेन संख्या 05315 छपरा दिल्ली स्पेशल, ये ट्रेन 21 नवंबर 2023 को चलेंगी। तो दोस्तों, भारतीय रेल ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन सभी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया, जो कि 21 नवंबर 22 नवंबर और 23 नवंबर 24 नवंबर 25 नवंबर और 26 नवंबर 2023 से चलने वाली सभी ट्रेनों के नाम नंबर मैंने बता दिया। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।